हे गाइस, यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आ रही है मालदीव्स की तरफ से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में रिलेटेड टू मालदीव्स इमिग्रेशन। तो मालदीव्स 12 अगस्त को कुछ न्यू रूल्स जारी किया है जो कि सबके लिए होगा, टूरिस्ट के लिए भी होगा और जो लोग मालदीव्स होकर कैनेडा या सऊदी जाना चाहते हैं उनके लिए भी होगा। आपको मालदीव्स में जाते टाइम या फिर मालदीव से कहीं और जाते टाइम इन सब बातों का ध्यान रखना है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये सब रूल्स न्यू नहीं हैं, सब वही रूल्स हैं, बट मालदीव्स की गवर्नमेंट से इस बार सब अच्छे से क्लियर किया है मालदीव्स की गवर्नमेंट ने, और उनके लिए तो अब बहुत अच्छा हो गया जिनको इंडिया से सऊदी या कनाडा जाना था या मालदीव्स। ठीक है, सारे पुराने रूल्स हैं बट एक रिवाइज टाइप सा बताया उन लोगों ने जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उन लोगों ने 6 पॉइंट्स बताए हैं। तो गाइस, जो फर्स्ट पॉइंट है कि मालदीव्स की गवर्नमेंट ने जो बोला है, जो कोई भी फेक होटल रिजर्वेशन लाएगा उसको मालदीव्स में एंट्री नहीं मिलेगी। ये पहले भी था बट अभी सुनो जो आगे बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मालदीव्स ने हमको सर्टिफाइड रिजॉर्ट्स की जो लिस्ट दी थी ना, उसको मालदीव्स ने अपडेट किया है। मतलब उससे कुछ कुछ रिजॉर्ट्स को निकाल दिया उस लिस्ट से और कुछ कुछ होटल्स और रिजॉर्ट्स को ऐड किया उस लिस्ट में। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जिसका नाम लिंक 1 है, वहाँ क्लिक करो, फिर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। उसके बाद अप्रूव्ड रीओपनिंग डेट्स पर क्लिक करो और ये रही न्यू लिस्ट ऑफ सर्टिफाइड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की। ठीक है, और गाइस, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आप मालदीव्स में कहीं भी रुक सकते हो, बट अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से रिजॉर्ट में अनवैक्सीनेटेड लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब गाइस, हो क्या रहा है, आप में से ज़्यादातर लोग एजेंट से होटल बुक करवा रहे होगे, राइट? अब गाइस देखो, जब आप एजेंट से होटल बुक करवाते हो ना, तो जो होटल का कन्फर्मेशन मेल आता है वो आपके ईमेल पर नहीं आता, वो कन्फर्मेशन आता है एजेंट के ईमेल पर कि आपका होटल कन्फर्म हुआ है कि नहीं। तो गाइस, एजेंट तो बोल देगा कि आपकी होटल कन्फर्म है, उसके बाद आपको वाउचर भी दे देगा होटल का, बट गाइस सिर्फ वाउचर मिलने से कुछ नहीं होता। आपको आपके, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपने होटल में एक बार कॉल करके या ईमेल करके पूछना है कि आपकी रिजर्वेशन कन्फर्म है कि नहीं है, और अगर कन्फर्म होगा तभी आप जाना, नहीं तो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स। और गाइस, जैसे मैंने बताया कि अनवैक्सीनेटेड और वैक्सीनेटेड लोगों के बारे में, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आप मालदीव जा सकते हो, और अनवैक्सीनेटेड हो फिर भी आप मालदीव जा सकते हो, डिफरेंस बस आपके होटल का होगा। ठीक है, अब गाइस, जो सेकंड पॉइंट है मालदीव्स इमिग्रेशन ने जो बताया है वो है ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए। अब गाइस, मालदीव्स ने बोला है कि जो लोग भी मालदीव्स होकर और कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, ऐसे लोगों को अपनी ऑनवर्ड टिकट और ऑनवर्ड कहाँ जा रहे हैं वो सब डिटेल शेयर करनी है। मैंने एक लड़के के बारे में बताया था पिछली वीडियो में कि उस लड़के ने झूठ बोल दिया था कि वो वापस इंडिया आएगा, बट उसको ऑनवर्ड कैनेडा जाना था तो उसको डिपोर्ट कर दिया गया था। तो गाइस, अब डरने की कोई बात नहीं है ट्रांजिट वालों को, और झूठ बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वापस इंडिया आओगे। अब आप इंडिया के इमिग्रेशन में आओगे और जब मालदीव्स के इमिग्रेशन में आओगे तो आप उनको सब क्लियर बता देना कि आप इतने दिन के लिए मालदीव्स में रुकोगे, यहाँ रुकोगे, और उसके बाद आपकी ऑनवर्ड कैनेडा की टिकट है। सऊदी जा रहे हो तो आपको भी यही सब यही चीज़ करना है कि आपको बता देना कि आप सऊदी जा रहे हो, इमिग्रेशन में सब क्लियर कर देना। अब वो लोग ऑनवर्ड टिकट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप अपनी डेट बता देना कि आप कब जा रहे हो, और अपनी कंडीशन समझा देना उन लोगों को कि क्यों जा रहे हो, और आपके पास उस देश का वीज़ा होना चाहिए जहां आप ऑनवर्ड ट्रैवल करके जा रहे हो। तो ये थी एक गुड न्यूज़ उन ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए जो बार बार पूछ रहे थे कि क्या हमको इंडिया की रिटर्न टिकट फ्लाइट बुक करनी होगी कि नहीं। तो गाइस, आंसर है नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया की रिटर्न टिकट बुक करने की, आप ऑनवर्ड टिकट दिखा के भी जा सकते हो। अब गाइस, जो थर्ड पॉइंट है जो मालदीव्स गवर्नमेंट ने बताया है, ये गाइस ये रूल नया है, ये रूल पहले नहीं था। तो गाइस, मालदीव्स गवर्नमेंट ने अब पैसे की डिमांड की है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। मालदीव्स ने बोला है कि टूरिस्ट को एंट्री तभी मिलेगी जब उनके पास सफिशिएंट फंड्स होंगे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए मालदीव्स में। अब कितना फंड्स होना चाहिए इसके बारे में कुछ पता नहीं है, अभी वो लोगों ने कुछ बताया नहीं है, बट एवरेज $50 पर डे मान के चलो आप। मतलब अगर आप 4 दिन के लिए आ रहे हो मालदीव्स में तो आपके पास $200, मतलब ₹15,000 के आसपास होना चाहिए। 4 दिन के लिए मिनिमम ₹15,000 होना ही चाहिए क्योंकि आपके होटल रिजर्वेशंस और मील तो ऑलरेडी बुक होंगे मालदीव्स जाने के पहले। तो गाइस, मालदीव्स जाना इतना सस्ता भी नहीं है, 16,000 तक का तो आपको फ्लाइट्स मिलेगी। ठीक है, वैसे भी 4 दिन का ट्रिप है तो 15,000 आपको इमिग्रेशन में दिखाना होगा, फिर आपको पहले से ही रिजॉर्ट बुक करना है, और मालदीव्स में रिजॉर्ट बहुत एक्सपेंसिव है। 4 दिन का 8,000 तक हो जाएगा, 2,500 पर नाइट का आपको मिल जाएगा अच्छा से रिजॉर्ट, फिर खाने का भी पैसा जोड़ना पड़ेगा, मतलब नियरली 50,000 से 60,000 तक खर्चा आएगा आपका मालदीव्स आने में 4 दिन का ट्रिप का। ठीक है, अब गाइस, जो फोर्थ पॉइंट है जो मालदीव्स के ऑफिसर्स ने बताया है वो है कि आपको मालदीव्स जाने के 24 आवर्स पहले अपनी COVID-19 PCR टेस्ट को
आईमुगा की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी, ठीक है। आईमुगा फॉर्म फिल करना होगा आपको। अगर नहीं पता आपको कैसे फिल करते हैं तो मैंने अपने पिछली वीडियो में सिखाया है, कार्ट पे क्लिक करके आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। तो गाइस आईमुगा एक पोर्टल है जिसमें मालदीव जाने से पहले आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो आपको अपना कोविड-19 टेस्ट आईमुगा की वेबसाइट पर अपलोड करना है और अपना कोविड-19 का जो टेस्ट है उसको प्रिंट करवा के अपने साथ मालदीव भी लेके जाना होगा। और ध्यान रहे कि आपका जो कोविड-19 टेस्ट है उस पर QR कोड होगा, ठीक है। अब गाइस जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि आप जब मालदीव्स में जाने वाले होंगे और अगर आपको वैक्सीन लगी है तो आपको आईमुगा की वेबसाइट पर अपना वैक्सीनेशन का प्रूफ भी अपलोड करना है। जैसे कोविड टेस्ट अपलोड करोगे ना आप, वैसे ही आपको अपना कोविड-19 का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, जो वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा वो। और जो लोग वैक्सीनेटेड है वो लोग मालदीव्स में कहीं भी घूम सकते हैं और जो लोग नहीं हैं वो लोग कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पर ही विजिट कर सकते हैं। और कोवैक्सीन को अभी WHO से अप्रूवल नहीं मिला है तो मालदीव्स अभी कोवैक्सीन वालों को अनवैक्सीनेटेड कंसिडर कर रहे हैं। बट अगर आपको वैक्सीन लगी है तो आईमुगा पर अब भर देना, वहाँ पे भी भर देना कि मेरे को कोवैक्सीन लगाया करके डाल देना, या नहीं या फिर आईमुगा पे कोवैक्सीन का वो लिस्ट नहीं आ रहा है अभी, कोविशील्ड लगा है तभी आप भर सकते हो आईमुगा पे, ठीक है। और जो सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है वो उन्होंने बताया है कि वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे सिक्स पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट में इन्होंने बताया है कि जो लोग भी मालदीव ट्रैवल करना चाहते हैं उनके पास कंप्लीट और करेक्ट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उन्हीं को लेके वो मालदीव्स में ट्रैवल करें। क्योंकि अगर आप इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ ट्रैवल करते हो मालदीव्स में तो आपको पक्का डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इतना तो फिक्स है, बिना डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बिना ट्रैवल करोगे आपको 100% डिपोर्ट कर दिया जाएगा और इमिग्रेशन ऑफिसर्स का भी टाइम वेस्ट होगा आप लोगों के वजह से। तो पूरी डॉक्यूमेंट्स लेके ही आपको मालदीव्स जाना है और अगर मालदीव से ट्रांजिट करना है तो ऑनवर्ड की जो कंट्री है उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, यही सारी डिटेल्स बतानी थी आपको। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है बट जितने भी चेंजेस हैं हमारे लिए ठीक ही है। ट्रांजिट वालों को भी अच्छा हो गया, अब ऑनवर्ड टिकट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लोग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और लाइक ज़रूर कर देना यार, पता तो चले कि कितने लोगों को आप में से कितने लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो बस गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।